अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सर आप खैरियत से होंगे। मैं भी आया हूँ पर अपने सेटअप पे। तो आज जो है ना, अगर आप तो इस चैनल पे नए हैं ना, इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। फिर डॉक्टर ये देखें यहाँ पे पानी में इंजॉय कर रही है, बाकी देखें हवा भी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो आज जो है ना, मैंने एक चीज़ बनानी है, तो वो ना मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वो मैंने इनके लिए बनाना है फाउंटेन। यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी ना खूबसूरती नहीं है, तो यहाँ पे ना फाउंटेन बनाते हैं पानी वाला, ठीक है? इसके अंदर ही बनाना है, ये देखें। तो जो मैंने बनाना है ना चीज़, मैं आपको वो रख के दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली भी मैं लेके आया हूँ, मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये एक गिलास होते हैं, ये पत्थर के होते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे आ जाना ऐसे, ठीक है? फिर उसके बाद है ये वाली जो प्याली है, इससे ज़रा थोड़ी सी छोटी है, ये देखें, ये आ जानी है यहाँ पे, ठीक है? तो इसके बाद ये वाली एक प्याली, यही वो उतना ही गिलास है जो नीचे रखा है, ये देखें, इसने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे। तो इसको रखना हमने इसके यहाँ पे, ये देखें, कुछ ऐसा फाउंटेन बनना हमारा, ये देखें। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के ना होते हैं फाउंटेन, काफ़ी ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो मेरे पास छोटे छोटे वो भी पड़े हुए थे, पंप भी पड़े हुए थे पानी वाले, तो मैंने कहा चले ये बनाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह इस तरह बनना कुछ। ये गमला मेरे पास नीचे पहले पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा ये एक गिलास मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इसके अंदर रख के ना इसको बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अब मैं ना जिस तरह मैंने बनाना है ना, उसकी मैं ये वाली साइड पे एक तस्वीर लगाऊंगा, आप वो देख लेना जिस तरह का मैंने बनाना है। तो ये देखें, आपने देख लियो कि तस्वीर जिस तरह का मैंने ये बनाना है, ये वाला। तो ये देखें, तो अभी जो है ना इसके अंदर सुराख करते हैं। मैं ड्रिल मशीन वगैरह भी लेके आया हूँ, वो देखें। तो अभी इसके अंदर सुराख करते हैं, मैं सुराख करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह बनाने हैं। ये देखें, ये मैं मशीन लेके आया हूँ, इसके अंदर पंप भी पड़े होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो उनसे पंप लगे ना बीच में कहाँ पे गए, ये देखें, ये वाला जो है ना, ये 12 वोल्ट का है। इसके लिए मुझे चाहिए एक चार्जर, लेकिन मेरे पास चार्जर नहीं है इसके लगाने के लिए, तो ये वाला नहीं लगाना है। तो एक ज़रा इससे बड़ा है, तो लेकिन बढ़ेगा फिर ये मसला हो रहा है कि वो गिलास के अंदर नहीं आना है। ये देखें, ये ज़रा पुराना सही है, लेकिन ये चलता है, ये थोड़ा सा पुराना है, ये देखें, ये है थोड़ा सा पुराना है, लेकिन चलता बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा घर की चीज़ है, घर में इस्तेमाल करते हैं, बाहर से हम ही नहीं लेके आनी है, ये देखें। तो ये ड्रिल मशीन भी आ गई है, इसके साथ सुराख करते हैं। सुराख करके मैं आपको दिखाता हूँ जिसका मुझे चाहिए सुराख, तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। ये मशीन आ गई जिसके साथ सुराख करने। तो बाकी मैंने आपको समझा दिया किस तरह मैंने बनाना है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक दफ़ा, ये देखें। तो एक होना है यहाँ पे सुराख इसके अंदर, ठीक है? एक इसके अंदर सुराख होना है। मैं ये पहले एक साइड पर रख लूँ, मैं आपको साथ साथ समझाई जाता हूँ। ये देखें ना, एक इसके अंदर अब सुराख होना है, क्योंकि पाइप लगाना है इसके अंदर। फिर इसके अंदर भी सुराख होना है, यहाँ पे पाइप आना है ऊपर, ये तो इसके अंदर भी सुराख होना है, तो क्योंकि इसके अंदर वो पंप आना है, ठीक हो गया? ये देखें, तो इसके अंदर नहीं सुराख होना, क्योंकि इसके अंदर तो पानी भरना है, इसके अंदर पानी भरेंगे तो वो ऊपर को उठाएगा, ठीक है? तो ये वाला नहीं हमने करना, ये मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था। ये चार चीज़ें मैं नहीं लेके आऊँ, ठीक है? तो इसके अंदर अब बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बना के ना वो सुराख करके मैं आपको दिखाता हूँ साथ में ना। अच्छा यार, ये ना भी एक मसला हो गया। मैं ना इसके अंदर सुराख कर रहा था, सुराख हो गया बिल्कुल अच्छी तरह, सुराख हो गया। तो हुआ ऐसे कि ऊपर से मैंने प्रेशर डाला हुआ था वो मशीन की ना, ये वाली चीज़, ये देखें, ये वाली चीज़ इसके अंदर बजी, तो यार ये देखें यहाँ से सारा ही टूट गया, इतना ज़्यादा प्यारा सुराख होया उस ना। मैंने कहा चलो मेरा तो इंतज़ाम हो गया, लेकिन वो बेचारा यहाँ से सारा ही टूट गया। अब ये मुझे नहीं लेके आने पड़नी ये वाली प्याली, बाकियाँ तो हैं, अभी मैं उनके अंदर सुराख कर लेता हूँ, फिर ना ये इसको भी नहीं कहीं ले आएंगे इसके लिए ना चीज़। तो यार ये देखें, मैंने अभी इसके अंदर सुराख कर ली है, ये देखें, ये सुराख मैंने इसके अंदर कर ली है, देखें सारे ना। तो अब इसके अंदर लगना है एक पंप लगना है और एक पाइप लगना है। वो बस एक मेरी प्याली की वजह से मेरा काम पेंडिंग हो गया है, अब ये सारा कल पे चले गया, क्योंकि अब जो है ना शाम का टाइम हो गया, इस टाइम तो मुश्किल ही होती है कहीं से मिले, इस टाइम मुश्किल ही होती है कहीं से मिले, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया। तो हमने इंशाल्लाह इसको कल पूरा कर लेंगे। इसके लिए वो जो पंप भी लेके आना है, पंप तो पड़ा हुआ है लेकिन ना जिसकी वो ना ज़्यादा बड़ा है वो इसके अंदर आ नहीं रहा है, एक दूसरा छोटा है, लेकिन उसके लिए चार्जर चाहिए, तो वो चार्जर भी ना हम लगाएंगे इंशाल्लाह, तो वो फिर ना सही हो जाएगा बिल्कुल। तो आज के लिए अभी हमने इतना का किया है, ये हमारा काम पेंडिंग हो गया, तो बस इसको इंशाल्लाह हम कल पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, तो अभी जो है ना इसको दिन तार के, ये लो यार ये भी टूट गया, मुझे पहले ही शक था, मैं कहा ये भी कहीं टूट रहा है, तो मैंने अभी इसको तो पानी के अंदर रखा है, इसके ऊपर वजन रखा है, लेकिन ना कोई नहीं, इसने वजन सहम ले नहीं। देखें इसको अगर इस तरह रख भी देंगे ना, अगर ये एक साइड से उतार भी देंगे ना, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने कहीं उल्टना तो है उल्टना है, चलो कोई नहीं है उसने सही है वैसे, ये देखें ना। तो ये इसका सहारा हम इसके साथ ही रखेंगे, ठीक है? क्योंकि अब इसके अंदर इतनी मुश्किलों से मैंने सुराख किया है, तो ये देखें ये मेरे ख्याल से पता नहीं किस तरह टूट गया, ये देखें
बिल्कुल सही था ये तो। चलो कोई नहीं, ये देखे ना, अगर हम इसको इस तरह रख भी देंगे ना इसके सहारे के लिए तो सही है। तो बाकी ये मैंने अभी कल इनकी सेटिंग चेंज की थी, आपने देखा होगा, ये देखें सारी कल अभी सेटिंग चेंज की है इनकी मैंने, ठीक हो गया। तो ये इनको मैंने यहाँ पे रख दिया था, बाकी इनको भी यहाँ पे इनकी चेंज कर दी सेटिंग। तो ये वाला तार के भी नीचे रख देते क्योंकि डक्शन तो पानी पीना है, तो इसको मैं इधर ही रखना है, इसको पानी रखना है। ये तो मैंने अभी वैसे ही रख के आपको दिखाया है, जिस तरह का मैंने बनाना है ना उस, इसलिए मैंने अभी इसको यहाँ पर रखा है। तो इसको भी बिठा लेते हैं, रखना मैंने उसके ऊपर ही है क्योंकि वो ज़रा नीचे है, तो डक्स पानी भी पीती रहेंगी सामने ना, इंचवाय भी करती रहेंगी, तो इनके लिए इंचवाय भी रहेगा और डक्स पानी भी अपना पीती रहेंगी। तो इनको भी ना हम बाहर छोड़ेंगे अभी, लेकिन अभी नहीं छोड़ना क्योंकि अभी गर्मी है, तो ज़रा मौसम सही होगा ना फिर हम इनको बाहर छोड़ा करेंगे सारे जानवर परिंदों को ना। तो कल ये वाले मुर्गे ने मेरे हाथ पे मारी थी चुंझ, लेकिन अब जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है, देखें आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है। तो कल तो इसने बहुत खींच के मारी थी, इसका बदला हम लेंगे से। इसको मैंने ज़िबा करवा देना यार, ये मैं कहता हूँ बहुत शातर मुर्गा है, इसको हमने ज़िबा करवा देना, ठीक है। तो ज़िबा करवाएंगे या इसको दे के इसकी जगह दूसरा मुर्गा ले आएंगे, क्योंकि इसने अपनी मुर्गी को भी मार मार के ना देखें बेचारी सारी गंजी हुई हुई है। तो ये ईंट मैंने इसलिए रखी है, ये पिंजरा खींच के ना इधर वाली साइड पर ले आते हैं, इसलिए मैंने ईंट वहाँ पर रखी हुई है। बाकी ये सील मुर्गियों का मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया था, इनको फीड भी डाली थी मैंने, पानी भी डाल दिया था इनके। तो ये देख लें, बाकी इनको भी सारों को डाल दिया था, इनका अंडा देख लें, इन्होंने अंडा दिया कि नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल अंडा है इनका, हाँ अभी अंडा नहीं है, तो जब अंडा देंगे उठा लेंगे। इन्होंने एक सुबह टाइम दिया था, मैंने उठा लिया था। तो ये मुर्गे का अभी जिक्र गला सही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया, मेरे ख्याल से इसके गले में रेशा पड़ गई है जिसकी वजह से सही नहीं हो रहा है। तो ये सील मुर्गियों ने कल उनका एक देसी ये इनका डक्स का अंडा खा लिया था, वो ख़राब था वो ना, मेरे ख्याल से ख़राब ही था जिसकी वजह से इन्होंने खा लिया। तो बस अब जो होना था वो तो हो गया, इन्होंने खा लिया अंडा, तो बाकी ये डक्स बाहर घूम रहे हैं, घूम लें अपना आराम से। तो अब ये फाउंटेन वाला काम मेरा कल पे चले गया क्योंकि एक प्याली मेरी टूट गई है, मैंने आपको दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जो मेरी एक प्याली टूटी गई है ना, आपको बाहर दिखाते हैं। देखिए ये मैंने कूड़े के अंदर फेंक दिए, देखें यहाँ पे ना सारी ये देखें टूट गई है, तो अब इसकी जगह कल नहीं लेके आएंगे। तो ये वाला जो है ना पंप, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से ये उसके अंदर पूरा नहीं आ रहा, और ये वाला जो है ये ज़रा 12 वोल्ट का, इसके लिए वो चाहिए मशीन चाहिए जो 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 इसको चलाएगी, इसको चार्जर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे लिखा होगा 12 वोल्ट, यहाँ पे नहीं पता नहीं लग रहा है अभी, लेकिन ये 12 वोल्ट का है, ये देखें ये नहीं, ये देखें ये लिखा होगा 12 वोल्ट, ये देखें 12 वोल्ट लिखा हुआ ना, वी 12 वी, ये 12 वोल्ट का है, ये तो इसको ना चार्जर चाहिए इसके लिए। तो ये भी मेरे पास, मैंने ना एक कूलर लेके आया था उसके साथ था मिला, मैं आपको कूलर दिखाता हूँ अगर मुझे मिले ना, वो देखें वो कूलर पड़ा हुआ है ये वाला, ये देखें ये कूलर पड़ा हुआ है, ये भी मैं मुर्गियों के लिए लेके आया था, लेकिन ये ख़राब हो गया क्योंकि ये 24 घंटे चलता रहता था जिसकी वजह से ख़राब हो गया। तो बाकी इनको मैंने अभी यहाँ पे देखे खोले छोड़ रहे हैं, ये घूम रहे हैं अपना आराम से, चलो घूम फिर लें कोई नहीं। तो बस देख रहे हैं अभी, ये मेरा जो है ना काम ये वाला कल पे पेंडिंग पे चले गया। तो मेरा जो है ना आज एक नुकसान भी हुआ है, नुकसान ये हुआ जो मुझे हैंड ट्रेन तोता नहीं मिला था वो ऑस्ट्रेलियन, तो यार वो मर गया बेचारा, आज सुबह ही मरा था वो, उसकी मैं तस्वीर लगा दूंगा साइड पर, मैंने उसकी तस्वीर बनाई थी, तो यार बड़ी ना सैड न्यूज़ है, वो बेचारा मर गया। मैंने उसको दवाई भी दी थी लेकिन वो नहीं बचा, जब मैं सुबह टाइम उठाना तो वो मरा हुआ था, तो बस उसकी यहाँ तक की ज़िंदगी थी, वो बेचारा मर गया। तो मैंने सुबह दिखाया नहीं, फिर मैंने कहा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसके बेचारे की हालत ही बहुत बुरी थी, मैंने कहा शायद किसी ने मारा होगा इसका, लेकिन मारा नहीं था वो, उसने ही मर गया था। उसको ना कीड़ियाँ पड़ गई थी, तो मेरे ख्याल से कहीं रात लेट नाइट ही मरा था जिसकी वजह से उसको सूंड़ियाँ पड़ गई, क्योंकि रात टाइम तो मैं उनको रोज़ाना देखता था कि बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन बस उसकी यहाँ तक की उम्र थी वो मर गया। तो बस ये मुर्गे क्यों ना दवाई दी है मैंने, लेकिन ये अभी तक नहीं सही हो रहा, पता नहीं क्या इसका गला ख़राब हो गया। तो बस यार उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग ना अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना, अगर ज़्यादा अच्छा लग जाए सब्सक्राइब भी कर देना, और बस ठीक है। तो मैंने ना कल अपनी तरफ नहीं व्लॉग ना एंड किया था, बस इनकी तरफ इस तरह आता रख के ना कल मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, अगर आपको वो वाला स्टाइल चल गया तो वो मुझे बता देना, नहीं तो मैं इस तरह करके व्लॉग अपना एंड कर लिया करूँगा, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़।